हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू उबाल करके, बॉयल्ड आलू की छाछ डाल करके वो वाली सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने आलू उबाल लिए थे सुबह में, तो ये सूखे टिफ़िन के लिए बनाए थे आलू के परांठे, और जब भी उबाल लिए थे एक्स्ट्रा ताकि सब्जी भी बना पाऊँ जब भी, तो इसलिए। तो अभी मैं नहा करके आई हूँ और लाइट है नहीं, तो मैंने कहा चलो सब्जी ही बना लेती हूँ, क्योंकि रूम में ना गर्मी भी है अंधेरा भी है, तो इसलिए मैंने कहा किचन का काम कर लेते हैं तब तक लाइट आ जाएगी। तो उसके बाद में मैं अपने ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने गाउन डाला हुआ है, नहा करके मैं गाउन ही पहन के आती हूँ बाथरूम से। और बस अभी मैंने सब्जी छोंक दी है, इसमें छाछ वगैरह भी डाल दिया है, आलू भी डाल दिए हैं, और बस अभी बन जाएगी ये 5 मिनट में। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बनाई थी, तो कई दिन में जो सब्जी बनाते हैं ना तो अच्छी भी लगती है वैसे भी। सवा 12 बज गए और मैंने ड्रेस चेंज कर ली, ये वाली कुर्ती पहन ली, सूट और साड़ी पहनने वाली थी वैसे तो, लेकिन ना फिर लेट सा हो रहा था, मैंने कहा सूट ही पहन लेती हूँ। अब्बा 2 दिन से कंटिन्यू साड़ी पहन ली थी, आज मैंने सूट डाल लिया। और सब्जी मैं बनाया ही, आटा भी लगा दिया मैंने, आलू की सब्जी बनाई है छाछ डाल करके। और अभी बनाएंगे रोटी, क्योंकि रोटी का टाइम हो गया। अभी आटा मैंने उसन के रखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको अभी। ये यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, और ये है हमारी सब्जी, देखिए। मस्त खुशबू आ रही है सब्जी में से, अच्छी वाली सी। और ये मैंने दूध गर्म करके रखा हुआ है, इस पे आ जाएगी अभी मलाई अच्छी वाली। तो अभी रोटियाँ ये रात की बच रही हैं, वो दिन की बच रही हैं, ये हटाऊंगी। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे सारे जितने भी हुए थे। और ये अभी आंटी जी आई थी, वो फली देकर गई हैं, ग्वार की फली, खेत की मतलब तोड़ी हुई एकदम देसी, और ये कचरी, तो इनकी भी सब्जी बनाएंगे बाद में, फली और काचरी की। तो देखिए जी, पति देव जी के लग चुका है चश्मा, तो वही मैं उनको दिखा रही थी आपको उनका लुक, चश्मा लगा करके देखिए कैसे लगते हैं। तो मैं इनकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, मैंने कहा चलो आपकी फ़ोटो खींचती हूँ चश्मे में, तो मैंने साथ के साथ वीडियो भी बना दिया थोड़ा सा। वैसे तो ये नहीं बनवाते हैं और ना ही इनको वीडियो में आना पसंद है, लेकिन मैं भी ना बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं भी इनको ले ही आती हूँ थोड़ा बहुत चुपके चुपके से। देखिए जी, यहाँ पे आ गए हैं हम शॉप पे, शॉप बोले तो मतलब कैंटीन है ये, तो थोड़ा सस्ता वाला कैंटीन है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है तो इतना भी महंगा नहीं है बाकी दुकानों से। तो इन्होंने बोला कि इससे ही लेकर जाया कर सामान, क्योंकि ये सही भी है और सामान भी अच्छा है, और मतलब पैसे में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। तो ये मुझे दिखाने के लिए लाए थे और बोले कि जो भी चाहिए वो ले आना किचन का सामान, फिर तो क्योंकि इनको जाना था ना, तो इन्होंने बोला फिर तो मैं चला जाऊँगा, तो इसलिए। तो यहाँ पे हमने टोकरी ले ली है और अभी इसमें डालते जाएंगे जो भी सामान हमको चाहिए। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये, बढ़िया था, और मतलब सामान की क्वालिटी भी अच्छी थी, हर प्रकार का सामान था, अच्छा लगा मुझे। और बस अभी हम ले लेंगे जो भी हमको चाहिए, जो लेते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे, और लास्ट में फिर बिल बनवा लेंगे। तो ये अच्छा लगा था मुझे बहुत, तो बस मुझे जो भी चाहिए वो लेते जाऊंगी। वैसे तो हमने लिस्ट भी बनाई थी, क्योंकि ना फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है,
और बस यहाँ पे हम बातें ही कर रहे थे, कैमरा मैंने लिया हुआ था और ये आगे आगे जा रहे थे और बस बातें कर रहे थे हम कि ये लेना वो लेना, ये ले लें वो ले लें, यही बातें चल रही थी। और बस और क्या, शाम का टाइम था और टाइम हो ही गया था लगभग 7, 6:30 या 7:45 का ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि लेट ही हो गया था। आने को तैयारी हुए थे कि भाभी जी आ गए थे हमारे, मेरी जेठानी जी, सेंट टाइम पे ही, तो फिर 2 मिनट में उनके पास बैठ गई क्योंकि वो आए थे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे कि भाई कोई आया है बंदा और निकल लें, तो इसलिए मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गई, तो फिर थोड़ा और लेट हो गया और फिर खाना वाना बनाने में भी फिर लेट ही हो जाएगा। और आज मैं इनके लिए पेठे भी बनाने वाली हूँ, शाम को फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसे बनते हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं पेठे। ये देखिए, ये अचार मंगवाया था, ये सुने उसका टीट का अचार, तो इस पे लिखा हुआ है कैर का अचार, मतलब कैर के लगते हैं ना टीट, इसलिए कैर रखा लिखा हुआ था उस पे, तो वही देख रहे थे हम, बात कर रहे थे उसी चीज़ की। और बस कैमरा ऐसे ही मैंने पकड़ा था, तो मैं सामान उठा रही थी ना बार बार में, तो कभी ऐसे ही हो रहा था ऊपर नीचे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक जी। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं घर पे, और ये निकाल रही थी मैं सामान थैले में से, तो आते वक्त हस्बैंड जी केले भी लेकर आए हैं, तो बस अभी जो जो सामान लाए हैं वो सारा निकाल देती हूँ मैं, तो आप भी देख लीजिए क्या क्या सामान है। तो लाल मिर्ची लेकर आए हैं पीसी हुई, क्योंकि ख़त्म ही होने को आ रही थी। और ये चारकोल का टूथपेस्ट है, सॉस की बोतल है, तेल है, रिफाइंड ऑयल, और नील डालने के लिए लाई हूँ मैं, इसकी वाइट ड्रेस है ये सूखी तो उसके लिए, और इसमें है मैक्रोनी क्योंकि उसको स्कूल में चाहिए रहती है, और इसमें बूंदी है रायता बूंदी, ये बिस्किट का पैकेट है, तो इन्होंने कहा चलो ले लो जो भी तुमको चाहिए। और ये वो है वो जिनसे वो बनती है ना मक्का, सॉरी वो पॉपकॉर्न बनते हैं, इनको क्या मक्का ही बोलते हैं, मक्का के दाने तो पॉपकॉर्न बनते हैं ना, तो यस्सू को पसंद है तो मैं ये भी ले आई थी। और ये है टेस्टी मूंगफली को बेसन में ऐसे लिपटा के और तल के बना रखा है, तो ये भी यस्सू के लिए लेकर आई थी, उसने मंगवाया था। और ये घी है दिया बत्ती के लिए, अच्छा घी है वैसे, रोटी भी यों के भी लगा सकते हैं लेकिन वैसे तो हम काम में नहीं लेते हैं, दिया बत्ती के लिए लाई थी क्योंकि ना फिर चाहिए रहता है, और वैसे तो मैं निकाल लेती हूँ घर पे ही, तो रोटी वगैरह में तो वही काम में लेते हैं हम, चूरमा बनाना हो, हलवा बनाना हो, या फिर जोत बत्ती करनी हो, तो उसमें तो बस ये बत्ती भिगोने के लिए लाई थी 1 किलो घी का डब्बा। ये पापड़ है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, और ये पापड़ भी अच्छे थे, खाने वाले पापड़ थे। और ये बिस्किट यस्सू ने मंगवाए थे स्पेशल, उसको ये पसंद है, तो बस सारा सामान मैंने निकाल दिया है, और बस अभी ये सारा सामान रखूँगी इनकी जगह पे। और अचार का पैकेट है, और बस सॉस वगैरह, तेल वगैरह, साबुन, सरफ, यही चीज़ें हैं, तो बस अभी खाना बनाने लग गई हूँ। खाने में भी क्या, रोटी सब्जी नहीं बनाऊँगी मैं, आलू प्याज की पकौड़ियाँ बनाऊँगी, तो पतिदेव जी की फरमाइश थी कि पकौड़ी बनाना, तो मैंने कहा चलो ये चले ही जाएंगे 2-3 दिन में, तो बना करके खिला देती हूँ। वहाँ तो क्या मतलब जेंट्स लोग से ऐसी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, वैसे तो इनको कम ही पसंद है, लेकिन कभी कभार ही मन होता है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ आज। वैसे भी मुझे कढ़ाई तो चढ़ानी थी क्योंकि इनके लिए ना पेठे बनाने हैं मुझे, पहले तो पापा जी थे तो वो बना देते थे, लेकिन अभी ना इन्होंने बोला कि तू क्या बना देगी क्या पेठी वगैरह, तो मैंने कहा हाँ ट्राई कर लेते हैं, जब बनाएंगे तभी तो आएंगे ना बनाने, ऐसे नहीं बनाएंगे हाथ से तो फिर
क्या पता चलेगा कि हम बना पाते हैं या नहीं, लेकिन पेठे अच्छे बने थे जो उनको चाहिए थे उनके पसंद के, उन्होंने कहा अच्छे बने हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू प्याज गोल राउंड में कट कर लिए हैं और इसमें हरी मिर्च भी कट कर लूँगी बेसन में ही, तो इसमें बेसन में डिप करके बनाऊँगी आलू प्याज के पकौड़े, तो अच्छे लगते हैं। और ये दो चार मिर्ची मैंने वैसे कट कर ली हैं तलने के लिए, कच्ची मिर्ची, ताकि वैसे ही खाने के लिए पकौड़ों के साथ और सॉस के साथ में पकौड़ियाँ खा लेंगे। और शाम का टाइम है और दूध पी लेंगे ये ऊपर से, और बस हो जाएगा हमारा खाना, क्योंकि ज़्यादा भूख तो थी नहीं, शाम के टाइम में इतनी भूख रहती है तो पकौड़े खाने से भी हो जाता है, मतलब पेट भर जाता है। तो बस अब ये मैं दूध का भी कर देती हूँ काम। और यहाँ पे देखिए यीशु भी अपनी शैतानियाँ चालू कर दी है इसने भी, कैमरे, इसको भी पता है कि कैमरा ऑन है। तो बस मैं अभी दूध गर्म चढ़ा देती हूँ, और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गर्म होने के लिए, और मेरा बैटर वगैरह सब रेडी है, बस तेल गर्म हो जाए तो मैं पकौड़ियाँ बना दूंगी। और मैंने मैदा भी बना करके, मतलब लगा करके रख दी है उनके लिए पेठे बनाने के लिए, तो वो मैं पकौड़ी बनाने के और खाने के बाद में ही बनाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, और यीशु को मैंने बुला लिया है कि गरम गरम सबको खिला दे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती हैं इस टाइप की चीज़ें। तो मैं बना रही थी और इन सबको मैंने बनाते बनाते ही खिला दिया था सभी को, और फिर मैंने भी खा ली थी बना करके लास्ट में। और बस अभी यीशु पकड़ा देगा अपने बाबा जी को, बूढ़े बाबा को, और अपनी दादी को, और अपने पापा को, खुद भी खा लेगा, और बाद में मैं खा लूँगी इन सबको खिला करके। और बस पतिदेव जी भी इधर ही बैठे हैं, लेकिन वही है ना, वो कमी आना पसंद करते हैं वीडियो में। तो चलिए जी, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब